डीसी संट जनरेटर, यस ठीक है, डीसी संट जनरेटर, ठीक है। अब हमें डीसी संट जनरेटर बनाना है तो उसके लिए आपको सबको पता होगा क्या कि भाई हमारा जो मशीन होती है डीसी मशीन, उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, जी सर, सॉरी दो मेन वाइंडिंग होती है, एक होती है हमारी आर्मेचर की और एक हमारी होती है फील्ड की। अब हमें जनरेटर बनाना है संट जनरेटर, डीसी संट जनरेटर, तो हम क्या करेंगे इसको नॉर्मली, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है। हम क्या करेंगे नॉर्मली, सीधा सीधा इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे और इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों शॉर्ट करने के बाद में आप इसे प्राइम मूवर की सहायता से घुमाओगे, ठीक है जी सर। अब इससे आप आउटपुट ले लोगे, जी सर। एक बार हम करके देखते हैं कनेक्ट, क्या हमारा डीसी संट जनरेटर इसी तरीके से वर्क करता है, बनता है। चलो भाई देखो, हम एज अ जनरेटर बनाएंगे, तो जनरेटर बनाने के लिए हमने क्या देखा है कि भाई हम A1 को Z1 से शॉर्ट करेंगे और A2 को Z2 से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आर्मेचर के हो गए, ये हमारे फील्ड के हो गए टर्मिनल, ठीक है। पता कैसे करेंगे, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम है। इसका लगभग एप्रोक्सीमेट फील्ड का जो हमारा आता है 300 के आसपास आता है और इसका जो आर्मेचर का आता है वो 67 ओम आता है, ठीक है। अब हमें शंट जनरेटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में शॉर्ट करेंगे। अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारी वोल्टेज कितनी बना रहा है ये, तो हम क्या करेंगे भाई, इससे एक वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे, ये हमारा वोल्टमीटर है, ठीक है, हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। एक बार इसको चला करके देखते हैं कितनी बन रही है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो रीडिंग है वो निगेटिव की साइड बढ़ रही है, यानी कि मतलब यह इसकी पोलैरिटी अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोलैरिटी से कीजिए चाहे वहाँ से, ठीक है, और चाहे आप यहाँ से कीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ से चेंज करेंगे। अब इसको एक बार दोबारा चला के देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे इस टाइम पे जो रीडिंग आ रही है 500+ आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जनरेटर बन चुका है और हमें 500+ दे वोल्टेज दे रहा है, पर हमें इतनी वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती, हमें इतनी वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा डीसी संट जनरेटर है भाई, ठीक है, इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक। सर्किट डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, सेम सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमने कनेक्शन किए हैं।